बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना के खुसरूपुर में रैली की, जहां पर दोनों ही नेताओं ने खटाखट फटाफट और टनाटन अंदाज में चुनाव प्रचार किया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आप लोगों से मित्रा कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। 5 तारीख को खटाखट 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 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आम कैसे खाते हो, क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? आखिरी चरण के मतदान से पहले बिहार में आज INDIA गठबंधन का खटाखट और टनाटन प्रचार देखने को मिला। बिहार में चुनावी प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने खटाखट पैसे मिलने वाले अपने मशहूर बयान से बीजेपी पर प्रहार किया, तो तेजस्वी भी बीजेपी पर कुछ इसी अंदाज में फटाफट और सफाचट की तुकबंदी बनाते दिखे। 5 तारीख को खटाखट 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 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में 1,00,000 रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। राहुल बिहार पहुंचे तो तेजस्वी को जेल में डालने वाला मुद्दा भी उठा। एक तरफ राहुल ने पीएम मोदी के इस बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं तेजस्वी ने फिर से प्रधानमंत्री को चैलेंज किया। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। राहुल गांधी ने आज बिहार की 3 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार किया। राहुल पहले पटना साहिब सीट से खुसरूपुर पहुंचे, फिर पाटलिपुत्र के दरियापुर पालीगंज में और अंत में उन्होंने आरा लोकसभा सीट में गठबंधन के प्रत्याशी का प्रचार किया। मगर करीब 35 दिन बाद बिहार पहुंचे राहुल गांधी पर विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आखिरी चरण के चुनाव में बिहार आकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी को बिहार की याद पहले क्यों नहीं आई? हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि वैसे भी राहुल के बिहार दौरे से विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं, हकीकत है यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकता है। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी का, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद तो बोलने लायक ना ये बचेंगे ना इंडिया अलायंस के कोई बचेंगे। दरअसल बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है, जबकि कांग्रेस को बिहार में 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी। अब देखना ये होगा कि लास्ट फेज के मतदान से पहले राहुल के फटाफट प्रचार और खटाखट बयान से बिहार की सीटों के गणित में क्या बदलाव हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।